हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास सिक्स के इंग्लिश के लेसन नंबर 12 को। इस लेसन का नाम है बच्चों बीरबल एंड द वॉशरमैन। तो इस लेसन को हम पहले ही अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। अब हम इस वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स व एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की ओर। जो अब जो इस लेसन का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो है वर्ड पावर। तो यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द वर्ड पजल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें एक पजल दी है। पजल का मीन्स होता है बच्चों पहेली, ठीक। तो इसे हमें फिलअप करना है। इसके नीचे कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को या फिर हिंट को पढ़कर ये यहाँ पर इसे फिल करना है। तो इसे मैं फिल करके आपको बता देता हूँ बच्चों। तो बच्चों इस पजल में जो फर्स्ट वाला है उसमें आएगा कॉर्टियर, ठीक है, कोर्टियर। सेकंड है उसमें यहाँ पर आएगा एम्परर, इस जगह पर एम्परर आएगा, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर क्राउन आएगा और फोर्थ है यहाँ थ्रोन आएगा। तो क्या क्वेश्चन थे वो हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये देख रहे हैं हम, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ किंग्स कोर्ट। एक ऐसा पर्सन जो कि किंग के, राजा के दरबार में काम करता है, तो उसे हम दरबारी या फिर कोर्टियर बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमने फिल कर दिया था, ठीक। तो ये इस तरीके से हो गया था। ही इज ऑल्सो अ किंग, ये भी किंग ही होता है। तो ये हमने सेकंड, हमने ऊपर से नीचे जो फिल किया था वो था एम्परर, ठीक। और थर्ड है किंग्स वेयर दिस ऑन देयर हेड, तो किंग अपने हेड पर पहनता है यानी ताज, उसे बोलते हैं क्रॉन, CROWN, क्रॉन। ये हमने यहाँ फिल किया था, ठीक, थर्ड वाला। और फोर्थ है अ किंग्स सीट, किंग की सीट थ्रोन कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसे फिल किया था। इस तरीके से इन हिंट्स की मदद से इस पजल को फिल करना था। तो फिल करके तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था बच्चों, वहां से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ, तो यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों, हमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये कंप्रिहेंशन क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन यस और नो। तो इन क्वेश्चन के हमें यस और नो में आंसर देना है। तो यहां पर फर्स्ट वाला है बीरबल वॉज द किंग, बीरबल राजा थे। नहीं बच्चों, बीरबल राजा नहीं थे, ठीक है, राजा के सेनापति थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो। सेकंड है अकबर वॉज ए जेनरस किंग, अकबर एक दयालु राजा थे। तो हाँ बच्चों, अकबर एक दयालु राजा थे। तो यहां पर हो जाएगा यस। थर्ड है धेनु वॉज अ मिनिस्टर, धेनु एक मिनिस्टर थे। तो धेनु बच्चों मिनिस्टर नहीं थे, वो एक वॉशरमैन थे यानी धोबी थे। तो ये नो। फोर्थ है द वॉशरमैन वॉज ए ग्रीडी मैन, वॉशरमैन एक लालची इंसान था। नहीं बच्चों, लालची नहीं था, वो ईमानदार था, ठीक है। तो ये नो हो जाएगा। फिफ्थ है कुसुम डज नॉट हेल्प हर हस्बैंड, जो धेनु की वाइफ थी कुसुम, उसने अपने हस्बैंड की मदद नहीं की। तो बच्चों उसने मदद की थी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो, ठीक। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो जाता है। अब बच्चों जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कंप्रिहेंशन का, ये है से हु सेड टू होम, किसने किससे कहा। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, कुछ वाक्य है, वो किसने कहा है और किससे कहा है, ठीक। तो अब बच्चों जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो है वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी कोल्ड, इस नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होगा। ये बात बच्चों अकबर ने बीरबल से कही थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकबर टू बीरबल, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है विन ए 100 गोल्ड कॉइन्स चैलेंज फ्रॉम द किंग, तो किंग ने 100 गोल्ड कॉइन जीतने का चैलेंज दिया है। ये वाली बात बच्चों टाउन कैरियर ने पीपल ऑफ टाउन से कही थी, मतलब जो संदेशवाहक था उसने जो टाउन में रहने वाले लोग थे उनसे कही थी, ठीक। थर्ड है आई कैप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी द होल नाइट,
मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए पूरी रात भर प्रेयर करूंगी या फिर प्रार्थना करूंगी। ये वाली बात धेनु की वाइफ थी जो कुसुम, कुसुम ने धेनु से बोली थी। फोर्थ है, योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग फूड। महाराज वो खाना बना रहे हैं, ठीक है, वह खाना बना रहे हैं। तो ये वाली बात बच्चों मैसेंजर ने किंग अकबर से बोली थी, जिस टाइम पे बीरबल अपने वो खाना बना रहे थे उस टाइम पर। फिफ्थ है, सैल्यूटेशंस योर मैजेस्टी। तो ये वाली बात धेनु ने किंग अकबर से बोली थी, जिस टाइम पे वो अकबर के दरबार में पहुंचे थे अपना इनाम लेने के लिए। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये वाला सेकंड नंबर वाला भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा। आप देख लेते हैं थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक, तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर हमें बताना है। तो इनके आंसर एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट वाज अकबर्स चैलेंज, अकबर का चैलेंज क्या था। ठीक, तो बच्चों हमें सबको बताया कि अकबर ने पूरी रात भर नदी में खड़े रहने का चैलेंज दिया था, क्योंकि नदी का पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि कोई भी उसमें पूरी रात भर नहीं खड़ा हो सकता था। तो ये चैलेंज उन्होंने दिया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, अकबर्स चैलेंज वॉज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना द होल नाइट। तो अकबर ने यमुना के ठंडे पानी में पूरी रात भर खड़े होने का चैलेंज दिया था। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, ये है, व्हाई वाज धेनु रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो धेनु उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों तैयार हो गया था। ठीक, तो उसके बच्चों दो कारण थे। एक तो वो वॉशरमैन था यानी धोबी था, तो उसे आदत थी कि वो ठंडे पानी में कपड़े धोता था, तो उसे ठंडे पानी की आदत थी। और दूसरी बात ये है कि उसे पैसों की जरूरत भी थी, ठीक है, इसलिए उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, धेनु वॉज ए वॉशरमैन सो ही हैड ए हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लोथ इन कोल्ड वाटर। चूंकि धेनु एक धोबी था तो उसे हैबिट थी, आदत थी ठंडे पानी में कपड़ों को धोने के लिए। ठीक है, सेकेंडली ही वॉन्टेड टू गेट द रिवार्ड, और वो उस रिवार्ड को, उस इनाम को जीतना भी चाहता था। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, वाई डिडेंट धेनु धेनुस वाइफ वॉन्ट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। धेनु की जो वाइफ थी कुसुम, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मना क्यों कर रही थी। क्योंकि उन्हें ये पता था कि इस चैलेंज में रिस्क है, बहुत ज्यादा जान जाने का रिस्क है, इसलिए वो धेनु से मना कर रही थी कि आप इस चैलेंज को मत लीजिए। ठीक, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, सी डिड नॉट वॉन्ट टू रिस्क धेनुज लाइफ टू एक्सेप्ट द चैलेंज। इस तरीके से इसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा। ठीक, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द कोर्टियर्स ऑब्जेक्शन। कोर्टियर्स यानी दरबारी को क्या ऑब्जेक्शन हुआ। धेनु को जब पुरस्कार दिया जा रहा था तो उसे क्या ऑब्जेक्शन हुआ। तो उसने ये ऑब्जेक्शन किया कि ये जो धेनु है वो राजमहल से की रोशनी से गर्मी प्राप्त करता रहा है, इसलिए वो पूरी रात भर पानी में खड़ा रहा, तो इसलिए इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए, ये उसका ऑब्जेक्शन था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द कोर्टियर सेड दैट। कोर्टियर ने कहा, दरबारी ने कहा, ही हैज टेकन हीट फ्रॉम द लाइट्स ऑफ द पैलेस। यह पैलेस की लाइट लेकर हीट प्राप्त करता रहा यानी गर्मी प्राप्त करता रहा, इसलिए ये यमुना के इतने ठंडे पानी में खड़ा रह पाया है। कौन, धेनु। ठीक, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, हाउ डिड बीरबल ब्रिंग जस्टिस टू धेनु। बीरबल ने धेनु को कैसे जस्टिस यानी न्याय दिलवाया। तो हमें सबको पता है बच्चों, बीरबल ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, और जब भी कुछ ऐसा होता था, किसी के साथ अन्याय होता था, तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से सबको न्याय दिलवाते थे। तो जब धेनु को इनाम नहीं मिला, तब उसने बीरबल ने सोचा कि इन्हें इनाम दिलवाना चाहिए। तो एक दिन बीरबल नहीं आए कोर्ट में, ठीक है, तो किंग अकबर ने पूछा कि बीरबल क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि वो तो अपना खाना पका रहे हैं, इसलिए नहीं आए, खाना पकाने में वो लेट हो जाएंगे। तो उन्होंने, अकबर ने सोचा कि ना इतना टाइम खाना पकाने में क्यों लग रहा है। तब उन्होंने वहां जाके देखा, तो वो क्या देखते हैं कि आग बहुत नीचे जल रही है, उसके काफी ऊंचे पे खाना रखा हुआ है। तो अकबर बोलते हैं, तुम क्या बेवकूफ हो गए बीरबल, इस तरीके से तो खाना बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आग खाने को गर्म ही नहीं करेगी। तो जो बीरबल थे वो बोलते हैं कि महाराज, ये खाने से तो, खाने की तो कम दूरी है, और उसकी तो जो महल की रोशनी और धेनु के बीच में तो बहुत ज्यादा दूरी थी, तो वो वहां से गर्मी प्राप्त कर सकता है, तो ये खाना भी बन सकता है। तो तुरंत जो राजा अकबर थे वो समझ गए कि ना ये किस मैटर पे बीरबल मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने धेनु को बुलाया और उनका पुरस्कार दिया। तो इस तरीके से जो बीरबल थे उन्होंने धेनु को न्याय दिलवाया था, जस्टिस दिलवाया था। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, बीरबल प्लेड ए ट्रिक। बीरबल ने एक ट्रिक चली। ठीक, ही पुट सम फायर ऑन द ग्राउंड एंड कैप्ट कुकिंग पॉट ऑन ए लॉन्ग ट्राइपॉड।
उन्होंने ग्राउंड पर यानी जमीन पर एक आग जलाई और उसके ऊपर एक ट्राइपोड लगाकर, लकड़ी का तिपाया लगाकर, उस पर कुछ डिस्टेंस पे खाने की हांडी टांग दी। सीइंग इट, अकबर हिमसेल्फ सेड, हाउ कैन दिस फायर कुक फूड ऑन सच ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो अकबर ने जब ये देखा तो अकबर ने बोला कि ये खाना कैसे बन सकता है, ये तो आग से बहुत ज्यादा दूरी पर है। सो बीरबल मेड हिम रियलाइज दैट सो बीरबल मेड हिम रियलाइज दैट स्मॉल फायर एट लॉन्ग डिस्टेंस कैन नॉट गिव हीट टू धेनु। तो बीरबल ने उन्हें रियलाइज करवाया कि छोटी सी आग धेनु को कैसे गर्मी दे सकती है, तब ये इतनी सारी आग इस खाने को नहीं बना सकती है, तो वो छोटी सी महल की आग धेनु को इतनी दूरी से कैसे हीट दे सकती है। तो अकबर को भी इस बात का रियलाइज हुआ तो उन्होंने फिर धेनु को जस्टिस दिया। ठीक, 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, व्हाई वॉज धेनु वेरी हैप्पी एट द एंड। धेनु लास्ट में क्यों खुश हुआ, क्योंकि धेनु के साथ बच्चों जस्टिस हो चुका था, उससे जो इनाम की राशि थी वो मिल चुकी थी, इसलिए धेनु अंत में खुश हुआ। ठीक, तो इसका आंसर होगा धेनु वॉज वेरी हैप्पी, धेनु बहुत ज्यादा खुश था, बिकॉज क्योंकि एट लास्ट आखिर में ही गॉट द रिवार्ड, और उसे आखिर में इनाम की राशि मिल गई, इसलिए धेनु बहुत ज्यादा खुश था बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बच्चों जो 3rd नंबर का ग्रामर का क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द चार्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ एडजेक्टिव के वर्ड दिए हैं और यहाँ एडवर्ब के दिए हैं, उसी को एडजेक्टिव को हमें एडवर्ब में चेंज कर दिया है। जैसे इन्होंने एक करके भी दिखाया, हैप्पी, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका हैप्पीली ये क्या है, एडवर्ब है। इसी तरीके से हमें लाउड, लाउड एडवर्ब दिया है, इसका जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, लाउडली, लाउडली, ये इसका एडवर्ब बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये क्विकली एडवर्ब दिया है, क्विकली का हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये बनेगा क्विक, QUICK, क्विक। ठीक, नेक्स्ट है प्रॉपर, प्रॉपर का जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो ये बनेगा प्रॉपरली, प्रॉपरली, सक्सेसफुली, इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये बनेगा सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, ठीक, थॉटफुल, थॉटफुल का एडजेक्टिव एडवर्ब बनाएंगे तो ये बनेगा थॉटफुली, तो ये हो जाएगा THOUGHTFULLY, थॉटफुली। ठीक, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का बनेगा ब्यूटीफुली। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ब्यूटीफुली, PAAUT, ब्यूटीफुल, FULLY, ब्यूटीफुली। ठीक, इस तरीके से ये हेल्पफुली है तो इसका आ जाएगा हेल्पफुल, तो ये हो जाएगा हेल्पफुल, HELP, हेल्पफुल, FUL, हेल्पफुल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कर सकते हैं, मतलब हमें एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना आना चाहिए और एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाना आना चाहिए। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।